जीवन के किसी भी क्षेत्र में तकनीक के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता है, युद्ध के मैदान में भी नहीं। तेजी से बदलते इस वक्त में युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। तकनीक ने युद्ध को ज्यादा मारक और जटिल बना दिया है। मीडिया से बात करते हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इस बदलते दौर में सेना के बदले तौर तरीकों और दुश्मन से लोहा लेने की तैयारियों के बारे में चर्चा की। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हम परंपरागत हथियारों के साथ साथ सीमा सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। सेना को साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। सेना में ऐसे युवाओं को महत्व दिया जा रहा है जो तकनीक में दक्ष हों, साइबर वारफेयर की पुख्ता जानकारी रखते हों और दुश्मन देश की भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हों। भारतीय सेना प्रमुख ने कहा कि हम तकनीक के साथ साथ सैनिकों के मल्टीटास्किंग होने पर भी ध्यान दे रहे हैं। वहीं नागरिक सैनिक भी वक्त की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास रहने वाले लोगों को इसके लिहाज से तैयार किया जा रहा है। इस तरह परंपरागत तरीकों के साथ साथ सेना में आधुनिक तकनीक को शामिल किया जा रहा है। एक तरफ जहां डिफेंस स्टार्टअप्स के चलते आधुनिक हथियार मिलने में आसानी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए जवान भी सेना की क्षमता को बढ़ाने वाले हैं।